नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज की ताजा खबर, सनसनीखेज खबर है, पंजाब में बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन तय हो गया है। लगातार सुर्खियों में ये खबर चल रही है, सारे मीडिया चैनल, सारे सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है और वहां पर बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं, मेंबर हैं, और वहां के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष पंजाब के जसवीर सिंह गढ़ी, सारे मौजूद हैं। और उसके साथ साथ शिरोमणि अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा, नरेश गुजराल और सुखबीर सिंह बादल सभी मौजूद हैं। और अभी सतीश चंद्र मिश्रा जी और सुखबीर सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो होने वाली है या अभी चल रही होगी। तो ये सारा गठबंधन तय हो गया है और पंजाब में करीब 33% जो है शेड्यूल्ड कास्ट जातियों का, अलग अलग जातियों का वोट है, जो सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, तो पंजाब में वोट है इसका। और ज्यादातर जो है बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, और अकाली दल की भी अच्छी पकड़ है। जो ओबीसी वोटर है, खास करके जो जाट और उससे संबंधित जाट और किसान, वो ज्यादातर अकाली दल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो गठबंधन हुआ है, इससे लगता है कि आने वाले पंजाब के चुनाव में सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएंगी और अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनने जा रही है। कोई मेरे ख्याल से रोक नहीं सकता इस बात को। तो ये जो नया अभी क्या कहना चाहिए, एक प्रगति हुई है बहुजन समाज पार्टी के प्लान में, तो बहुजन समाज पार्टी का काम हमेशा चलता रहता है कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, कभी अंडरग्राउंड कभी ओपन। तो ये सामने खुल करके आया है, जो पिछले काफी दिनों से इस पे मशक्कत चल रही थी। हमने भी पीछे चर्चा की थी, 2-4 दिन पहले तब भी ये चर्चा चल रही थी। तो वो गठबंधन हो गया है और इसमें पहले जो बात आई थी उस पे ये हुआ था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के किसी इसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और शिरोमणि अकाली दल का मुख्यमंत्री बनेगा और उप मुख्यमंत्री जो है बहुजन समाज पार्टी का रहेगा। तो ये जो बदलाव हुआ है, ये जो उपलब्धि हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है इस पंजाब की चुनाव के लिए तो है ही है, पंजाब के साथ साथ में इसका असर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा, बाकी प्रदेशों पर पड़ेगा और ये जो है पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, ऐसा अपना मानना है। अगर हम चुनाव चिन्ह की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह तराजू है और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। तो हाथी भी एक विशाल बहुजन समाज की शक्ति का प्रतीक है और एक न्यायप्रिय और शांति प्रिय एक जानवर है। पूरे जानवरों के अगर देखा जाएगा तो इससे ज्यादा न्यायप्रिय, बलशाली और समझदार कोई भी दूसरा प्राणी नहीं है। और अगर हम अकाली दल के तराजू की बात करें तो तराजू बराबर तोलने का काम करता है। तराजू जो है, तराजू का जो क्या कहने चाहिए चरित्र है, वो न्यायिक चरित्र होता है। तराजू जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो ये जो गठबंधन है, एक ये क्या कहने चाहिए नेचुरल अलायंस है, नैसर्गिक गठबंधन है, ये प्राकृतिक गठबंधन है। क्योंकि हमारी विचारधारा एससी एसटी ओबीसी बहुजन के लिए जो विचारधारा है, तो शिरोमणि अकाली दल भी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर ओबीसी और जो किसान हैं वो ज्यादातर अकाली दल के साथ हैं, शिरोमणि अकाली दल के। तो ये जो गठबंधन हुआ है बहुजन समाज का, ये बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन है और महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रदेश की राजनीति की दिशा और दिशा अवश्य बदलेगी इस गठबंधन से, ऐसा लगता है। और पंजाब में भी साहब कांशीराम ने पंजाब के रहने वाले थे, तो साहब कांशीराम ने पंजाब में बहुत काम किया। बहुजन समाज पार्टी की जड़ें
पंजाब में बहुत मजबूत हैं और आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। पंजाब से तीन तीन मेंबर पार्लियामेंट चुने गए और बहुत सारे विधायक भी पहले चुने जाते रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत मजबूत आधार है पंजाब में और अकाली दल का भी अपना मजबूत आधार है, तो दोनों मजबूत आधार मिल गए हैं। तो बाकी जो है हवा हो गई है, मिले कहते हैं पहले नारा, मिले जो है अकाली दल और बीएसपी और हवा हो गए सारे पार्टियां। तो ऐसा लगता है कि आने वाले पंजाब के चुनाव में एक नया समीकरण उभर के आएगा और नए बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोनों के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी है और श्रोमणी अकाली दल के लिए भी है, और सबसे बड़ा आघात है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब तक श्रोमणी अकाली दल का बीजेपी के साथ गठबंधन था, केंद्र में भी गठबंधन था बीजेपी का, प्रदेश में भी था, लेकिन किसानों के आंदोलन को लेकर के श्रोमणी अकाली दल की मेंबर पार्लियामेंट वो लेडी थी, नाम भूल गया मैं, वो जो थी चुनाव वो वहां से दे करके आ गई, जो कि मंत्री थी सरकार में, वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और किसानों की भलाई के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तो इससे सारे किसान भी बहुत ही क्या कहने चाहिए खुश हुए हो रहे होंगे, किसान और ओबीसी सारे बहुत खुश हो रहे होंगे कि ये बहुत अच्छा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने भी हमेशा किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था, ये जो सरकार ने कानून बनाए थे, बहन कुमारी मायावती हमेशा उसके बारे में विरोध में आवाज उठाती रही, किसानों का हर समय समर्थन किया बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने। तो ये जो गठबंधन हुआ है, किसानों का गठबंधन है, शेड्यूल कास्ट का गठबंधन, ओबीसी का गठबंधन, माइनॉरिटी का गठबंधन, ये बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश में के जो बहन कुमारी मायावती चार बार मुख्यमंत्री रही, तो पंजाब के लोग भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके की कार्यशैली बहुजन समाज पार्टी की रहती है, और पंजाब के लोग भी बहुत नजदीक से जानते हैं। इसलिए इसमें मुझे लगता नहीं है कि भविष्य में भी कहीं कोई अड़ंगेबाजी आएगी, क्योंकि दोनों की विचारधारा लगभग एक जैसी है और बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती हैं दोनों पार्टियां, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये जो गठबंधन है बहुत महत्वपूर्ण है पंजाब की चुनाव के लिए, आगे आने वाली सियासत के लिए, पंजाब उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए और पूरे देश की सियासत के लिए। तो आगे लगातार देखते रहेंगे, जो भी प्रगति होगी गठबंधन के बारे में समय समय पर आपको बताते रहेंगे। पंजाब की खास करके अभी सीट शेयरिंग वगैरह का बाद में फॉर्मूला किया जाएगा, कैसे कैसे किसको कितनी सीट दी जाएंगी, क्योंकि पहले बीएसपी 37 से 40 सीटें चाह रही थी, करीब 30% सीटें बीएसपी चाह रही थी, और अकाली दल उनको 18 सीटों की बात थी। अभी दो तीन दिन पहले जब बात चली थी तो कहीं ना कहीं इन पर सहमति बन गई होगी, क्योंकि बीएसपी के जो प्रभारी रणदीप सिंह बेनीवाल ने कहा था कि वो भी दो चार सीटें एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 30 से 35 सीटों बीएसपी के मिल जाएंगी खाते में, तो कहीं ना कहीं ये सहमति जरूर बन गई होगी, मेरा अपना ऐसा अनुमान है। वो जल्दी ही मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। सभी दर्शक अपने अपने कमेंट्स के द्वारा इस गठबंधन का क्या पंजाब में इसका उपलब्धि रहेगी, क्या उत्तर प्रदेश में उपलब्धि रहेगी, क्या केंद्र में उपलब्धि रहेगी, अपने कमेंट्स के द्वारा अवगत अवश्य कराने का काम करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें जो है अवगत जरूर कराएं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी को मेरा सत श्री अकाल, जय भीम, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।